हाँ जी, स्कूल से हाफ डे लेकर मैं जा रही हूँ पापा को स्टेशन लाने, सेंट्रल स्टेशन। हाय दोस्तों, नेहा के ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और अभी मैं स्कूल जा रही हूँ और सुबह के हो रहे हैं 6:40। स्कूल बस में मैं बैठ गई हूँ और एक चुलबुली सी मैडम आने वाली है, ऑटो से आ गई है। मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि प्रोटोकॉल है स्कूल का। स्कूल से लौटते ही जा रही हूँ शॉप, क्योंकि ना चाय पत्ती नहीं है, पापा ने चाय मांगा है। टाटा। हुजूर, ये है चेन्नई, यहाँ पे ना आपको रोड हमेशा ही खुदे हुए मिलेंगे। यहाँ हर रोज कुछ तो बनते हैं और कुछ तोड़े जाते हैं, सच्ची बोल रही हूँ। आप पीली ड्रेस में छोटे बच्चे को देख सकते हो जा रहा है, वो डंडे वाला एक आर्ट होता है ना, सिलेबम बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं दुकान में आ गई हूँ और ढूंढ रही हूँ कि मुझे मेरा मनपसंद वाला टी मिल जाए। देखते हैं, मिला है 3 roses as usual, और कोई चलो मेरा घर आ गया। ओ गॉड, थक गई थक गई। आई होप कि पापा ना दरवाज़ा से ही टाइम पे खोल दे। चलो ट्राई करती हूँ, देखते हैं। हे हेलो, नेहा की ब्लॉग में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं स्कूल जाने के लिए एकदम से रेडी हूँ। लोग देख सकते हो बस में कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो शूट करना भी मेरे लिए आसान सा हो रहा है। अच्छा दोस्तों, नहीं छोड़िए आप, बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। काश ऐसा हो तेरे, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। बस में बैठे बैठे मुझे ना वो तुम घर साथ, काश शाहरुख याद आ गया और आज भी वाकई याद करते ना मेरे चेहरे पे स्माइल की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो दोस्तों नहीं। आंसू उसके लिए बहाइए जिंदगी, जिन्होंने कभी आपके आंसू पोंछे हो जिंदगी उनके लिए नहीं, जो आपके आंसू का कारण बन गए हो।